इस वक्त हम पालम से बोल रहे हैं, जहाँ पर ग्रीन फ्यूल का जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उसी जगह से बोल रहे हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ काइंड लद्दाख में प्रोजेक्ट बनने, बेसिकली ये इंडिया में फर्स्ट ऑफ काइंड बना रहा है। तो डिटेल हम उन्हीं से पूछेंगे, यहाँ के प्रोजेक्ट हेड है एनटीपीसी के, एनटीपीसी और एलएसजीसी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एमओयू हुआ, ये बसेस किस पे हाइड्रोजन फ्यूल पे चलेगा, कैसे चलेगा, ये सर से विस्तार से पूछें। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू तो सर ये प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से बताएं, कैसे जो हाइड्रोजन फ्यूल पे बसेस चलेंगे अलग। ये हम लोग ने, ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट है जो हमारी एनटीपीसी, जो देश की सबसे महारत्न कंपनी है बिजली उत्पादन और बाकी सब, उसके बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। तो हमने लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और एलएचडीसी के साथ एमओयू किया था, जिसमें कि हम लद्दाख में वो सारे प्रोजेक्ट्स के लिए काम करेंगे जो टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है और जो कि कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए पूरे देश के लिए एक एक मिसाल बनेंगे। तो उसमें हमने एक प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया था, जिसमें कि हम पूरा सोलर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे और उस हाइड्रोजन को स्टोर करेंगे, कंप्रेस करेंगे और उससे हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली फ्यूल सेल बसेस, जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बसेस बोलते हैं, वो यहाँ पे करेंगे। ये इंडिया में फर्स्ट ऑफ अ काइंड ऐसा प्रोजेक्ट एनविसेज किया गया था, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसका फाउंडेशन स्टोन 30 जुलाई 2022 को ले किया था। उसी फाउंडेशन हम आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हमारे काफी फैसिलिटीज कंप्लीट होने वाली हैं, ऑलमोस्ट वर्ज ऑफ कंप्लीशन पर हैं और 31 अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में इसका एक फॉर्मल हम लोग इनॉग्रेशन करेंगे, जिसमें कि हम पहला बस ग्रीन हाइड्रोजन से ले और इसके आसपास के एरिया में चलाने का ट्रायल शुरू करेंगे। उसी के उसमें ये हमारा स्विचगेयर रूम है, जो कि हमारे सोलर प्लांट जो हमारे साथ में लगा हुआ है 1.7 मेगावाट का, चोगलामसर पालम पीडीटी सब स्टेशन के पास। उस 1.7 मेगावाट सोलर प्लांट से हम लोग बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सारे बिजली है उसका एक ये स्विचगेयर रूम है। ठीक है, इस स्विचगेयर रूम में जो भी हमारा जनरेशन है, सोलर प्लांट से जो जनरेशन आ रहा है, दैट गोज टू डिफरेंट फैसिलिटीज इन द प्लांट। हमारा हाइड्रोजन फैसिलिटी है इसके बाजू में और उसके बगल में हमारा फ्यूल स्टोरेज और डिस्पेंसेशन फैसिलिटी है। जी सर, आप पूछना चाहूँगा, जो इनिशियली हमें बताया गया है कि 5 बसेस चलेंगे, तो ट्रायल हो चुका है क्या, हाइड्रोजन यहाँ प्रोड्यूस भी हुआ है कि ट्रायल क्या है इसके बारे हम में। पहले हमारा उस हमने लास्ट 18 अगस्त को हम पहला बस लेके आए थे ट्रायल के लिए और उसमें हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन स्टोरेज भी साथ में लेके आए थे। उसके बेसिस पे हमने ट्रायल किया था, उसमें हमारे जो भी ऑब्जर्वेशंस थे उसको फिर से हमने और इसको और अच्छा, उसको जो भी हमारे कमियां उसमें लग रही थी टेक्नोलॉजी में, वो सब मैं फिर से हमने उस पर काम किया, वो सारी चीज़ को लेके अभी अब हमारे, क्योंकि अब हाइड्रोजन फैसिलिटी आ गया है ऑलमोस्ट, तो अब हाइड्रोजन हम उसको डायरेक्टली यूज करेंगे उन बसेस में। जी सर, हमें बताया गया है कि जो पानी से हाइड्रोजन बनाओगे तो उसमें बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है, उसका भी कुछ यूसेस होंगे। हाँ, हमको इनफेक्ट हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब हैं अमित शर्मा साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है उसको भी हम कहीं ना कहीं यूज़ करें। तो उसके लिए हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं उसको, किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। जी सर, बिकॉज यहाँ टूरिस्ट को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, मैं मेरे ख्याल से सेक्रेटरी साहब वो भी बता रहे थे कि जो बॉटलिंग करके टूरिस्ट को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ भी सप्लाई कर सकते हैं। हाँ, हम उसके लिए अभी प्रयासरत हैं, क्योंकि वो एक पूरा ही अलग टेक्नोलॉजी डोमेन है वो, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे उसमें और जो हमको मेडिकल ग्रेड के लिए ऑक्सीजन की जो ज़रूरत पड़ता है,
वो चीज के लिए हमको थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बाद हम उस पर. सो दैट इज आवर प्रोजेक्ट, वी आर वर्किंग ऑन इट. जी सर, आप लोग और कुछ बताना चाहेंगे प्रोजेक्ट रिलेटेड इसी जो हाइड्रोजन बस को लेके है कुछ? हाँ, जैसा कि हमारे सर ने बोला, जो कि प्रोजेक्ट हेड है हमारे यहाँ के, तो सर ने बोला कि जो है ये देश में जो है एक ये पहला प्रयास है, और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 या 21 में लाल किले से बोला था कि लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाना है, तो उसमें से ये एक बहुत बड़ा और एक यूनिक प्रयास है ये जो है. और ऑलमोस्ट अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है कम्प्लीशन पे ही है, तो चेकिंग कमिश्निंग टेस्टिंग हम लोग बोलते हैं तकनीकी टर्म में जो है, तो ऑलरेडी वो चल रहा है हमारा. तो होपफुली जो है हमारा जो है 31 अगस्त तक, जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग, और फर्स्ट वीक मैक्सिमम तक जो है हम लोग इनॉग्रेशन कर देंगे, और जल्दी ही आप देखेंगे कि लेह में जो है ये हमारा ग्रीन हाइड्रोजन बस जो है सेवा प्रदान करेगा. और ये मैं एक चीज़ और इसमें जो है जोड़ना चाहता हूँ कि इस अल्टीट्यूड पे जो है ये देश का ही नहीं, ये दुनिया का सबसे पहला है. थैंक यू सर. तो कल मैंने सुना यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी अमित शर्मा सर खुद आए थे, उनका क्या फीडबैक था सर इस प्रोजेक्ट को लेके? हाँ, प्रोजेक्ट को लेके उन्होंने तो पहले पूरा विजिट किया और काफी सेटिस्फाइड थे. और जैसे कि अभी रोड का कंस्ट्रक्शन थोड़ा बाकी है, उसके लिए उन्होंने बोला कि जो है जितना जल्दी हो सके हम जो है प्रयासरत हैं, और उसके बाद पूरा सहयोग प्रदान करेंगे, और जितना जल्दी हो सके इसको पूरा कंप्लीट कराएंगे, जो भी जो रोड का जो इशू है. और बाकी जैसे आपने बात किया और सर जी ने भी बताया, जैसे मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उससे रिलेटेड भी बात हुआ, डीएम सर भी थे, सेक्रेटरी भी थे, तो टोटल सबसे मिल के फिर बात हुआ कि भाई जो है एज ए पहला जो चेंज जो हम इसमें मॉडिफिकेशन लाएंगे, जो अभी करेंटली हम जो है ऑक्सीजन उसको वेंट आउट कर रहे हैं, तो उसको यूज करके मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन में चेंज करेंगे, जो यहाँ पे जो है ले में यूज होगा. साथ ही सर, सर मैंने सुनने में है यहाँ जो आपके सोलर पैनल है बहुत इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जहाँ प्रोड्यूस होगा आपके हाइड्रोजन प्लांट के लिए यूज होगा, उसके बाद जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा उसका क्या होगा सर? इनफैक्ट वो हम डायरेक्टली फिर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू फॉर द बेनिफिट लद्दाख के निवासियों के लिए. हम लोग जो भी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वापस हम उसी को दे रहे हैं. दे कैन बी दैट इज used by residents of Ladakh. Already हमारा जो सोलर का जो प्लांट है वो ऑलरेडी हमारा जो है अभी ऑपरेशनल है वो जो है, और PDD जो हमारे यहाँ पे है उनके साथ हमारा एग्रीमेंट है, तो एज पर नेट और रेगुलेशंस के हिसाब से ऑलरेडी हम लोग उनको 500 kW कंटिन्यूस बिजली प्रदान कर रहे हैं सर. वो हमारा 6 जून को ही जो है डिक्लेयर हो गया था, तो 6 जून 2024 से हम बिजली कंटिन्यू PDD को दे रहे हैं सर, जिससे कि ले को जो है शुद्ध और कार्बन फ्री बिजली मिल रहा है हमको. बहुत बहुत धन्यवाद सर. तो हम आप लोगों को जो प्लांट्स के बारे में यहाँ आके बताया, साथ ही साथ हम लोग बाहर जाके भी दिखाएंगे कैसे कैसे यूनिट लगा हुआ है, और कैसे जो दुनिया का सबसे पहला है ग्रीन है फ्यूल यहाँ से बनने वाला है, वो एक ही जो लगभग अगस्त के एंड तक इनोग्रेट हो जाएंगे, उसके बाद लगभग 5 बसेस इसी ग्रीन फ्यूल से चलेंगे. तो हम बाहर जाके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ अलग अलग यूनिट लगा हुआ है, कैसे हाइड्रोजन फ्यूल बनता है, कैसे यहाँ रिफिल होता है, वो सब दिखाने की कोशिश करेंगे. सर तो यूनिट्स के बारे में बताएंगे, यहाँ सारे बहुत सारे सोलर पैनल लगा हुआ है सर. ये हमारे सामने जो देख रहे हैं ये हमारा 1.7 MW सोलर प्लांट है जी, जी. जिसकी डिफरेंट फैसिलिटीज है, डिफरेंट सिस्टम है, ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर्स, और हम जहाँ पर खड़े हैं वो हमारा इसका पूरा प्लांट फैसिलिटीज का MCR बिल्डिंग है, कंट्रोलिंग रूम है. तो अभी हम दूसरा यूनिट दिखाएंगे सर, ये क्या चीज है जो हमारे सामने है? ये हमारे सामने DM प्लांट फैसिलिटी है, और उसके बगल में है इलेक्ट्रोलाइजर फैसिलिटीज हैं जो कि हाइड्रोजन जनरेट करती हैं. अच्छा. और उसके बगल में हमारा इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट है, इलेक्ट्रोलिसिस रेक्टिफायर प्लांट है, जो कि इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो हमको एनर्जी चाहिए वो वहाँ से जनरेट होता है, NTPC. उसके बगल में जो है वो कंप्रेशन फैसिलिटी. अच्छा, यहाँ पर सर तो आप देख सकते हैं अलग अलग यूनिट यहाँ.
ये हमारे कंप्रेशन और ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक है और इधर पे हमारे फैसिलिटीज और जो आने वाली है स्टोरेज का टैंक। तो आखिर में जो सामने है मेरे ख्याल से यहाँ फ्यूलिंग होगा, यहाँ से हमारे सामने वो जो है वो डिस्पेंसिंग स्टेशन है, यहाँ से हमको हाइड्रोजन हाइड्रोजन हम जिसको बस में डिस्पेंस करेंगे। जी जी, तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ से जो डिस्पेंसिंग सेंटर है, यहाँ से बसेस में जो हाइड्रोजन फ्यूल भरा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने से जो है वो बसेस का एंट्री पॉइंट रहेगा जहाँ से आएंगी, और ये हमारा हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग स्टेशन है। जी, तो यहाँ पर बसेस आके यहाँ से फ्यूल होके जाएगी। जी, हमारी एक बस जो है वो 225 किलोमीटर एक बार फिल करने के बाद चलेगा। अच्छा सर, एक बार फ्यूल करने के बाद 225 किलोमीटर चलेगा। अच्छा, उसके बाद दोबारा आना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आना। अच्छा, एडिशनल कोई स्टोरेज का कुछ ऑप्शन? हाँ, एडिशनल नहीं, हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर सर इसी के हिसाब से है कि वो 225 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर आए। जी जी, उसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 24 to 26 kgs ऑफ हाइड्रोजन उस बस में आ सकता है एक बार में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये था एक ब्रीफ रिपोर्ट आप लोगों के लिए, जो हाइड्रोजन ग्रीन फ्यूल बनने और लद्दाख में सबसे दुनिया का पहला प्रोजेक्ट होगा जो LSDC NTPC UT एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये बनाया जा रहा है। और सर का कहना है कि इसी महीने जो अगस्त आज है एंडिंग तक ये उद्घाटन होगी, उसके बाद जो पहला जो बसेस होगा 5 बसेस यहाँ इसी से चलेंगे। मैं और मेरे साथी सरमिन से न्यूज़ 18 के लिए।